हेलो फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है जो कि प्रोनाउन से है। एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और याद रखिएगा अगर बिहार बोर्ड में पूछा भी जाता है तो इसी सब से पूछा जाएगा, इनसे एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छा से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन से, सबसे पहले मैं बता दूँ ये जो टॉपिक है वो है प्रोनाउन टॉपिक। कौन सा है? प्रोनाउन, ठीक है। और आपको पता होनी चाहिए प्रोनाउन क्या होता है ना, यानी कि वह शब्द जो नाउन के बदले में आता है। ये प्रोनाउन भी एक शब्द होती है जो किसके बदले आता है? नाउन के बदले में आता है, नाउन को रिप्लेस कर देता है। क्या कर देता है? नाउन को रिप्लेस कर देता है, उनके बदले में ये आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन से चलते हैं। कहते हैं कि दिस इज माई बुक एंड दैट इज। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर जो यूज किया गया प्रोनाउन वो है आपको दिस है, और माय एक एडजेक्टिव है ना, यानी कि जिसको पसेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है, जिनके जस्ट बाद देखिए नाउन है। एडजेक्टिव की एक विशेषता होती है कि एडजेक्टिव के जस्ट बाद ही देखिएगा आपको नाउन आ जाता है, ठीक है। यहाँ भी देखिए नाउन आया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पर क्या होगा? अगर यह मेरा बुक है तो वो किसका बुक है? योर्स होगा, योर होगा, या योर आवर्स होगा, या आवर्स होगा, आवर्स होगा। देखिए सबसे पहली बात तो ये देखना है इसमें प्रोनाउन कौन है। देखिए ये एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है। प्रोनाउन इसमें दो है, एक योर्स है और एक आवर्स है। अब इसमें कहता है यह मेरा बुक है तो स्वाभाविक है उस साइड किसका होगा? वो तुम्हारा बुक है। यहाँ दो ही पर्सन के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए हम लोग होगा नहीं, क्या हो जाएगा? योर्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा इस बातों को, और इनका ऑप्शन भी दिया गया योर्स। चलिए ये बिल्कुल सटीक है आपके बिहार बोर्ड का क्वेश्चंस, और जो कि कई बार पूछ चुके हैं, इसमें आपको मिल भी जाएंगे जो क्वेश्चन बैंक था, और साथ साथ इसी क्वेश्चन से आएगा। अगर प्रोनाउन चैप्टर था तो इसी क्वेश्चन से आएगा, इस क्वेश्चन से आगे नहीं आएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए इस बातों को ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दे वर एंग्री विथ डैश फॉर देयर सिली मिस्टेक। वो उनसे गुस्सा है एक छोटा सा गलती के कारण, ठीक है, या गलती के लिए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? दे है। सब्जेक्ट क्या है? दे है। और यहाँ पर सेल्फ वाला प्रोनाउन है, सेल्फ वाला और सेल्फ वाला। तो यहाँ पर इस बातों को ध्यान रखिएगा, सेल्फ वाला प्रोनाउन दो ही था, एक था इम्फैटिक प्रोनाउन और एक था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। ये बात को आप भली भांति जानते होंगे, अन्यथा मेरा प्रोनाउन के क्लास देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, यूट्यूब पे दिया गया है। तो यहाँ पर दे का जो पसेसिव दे का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा या फिर इम्फेटिक प्रोनाउन होगा वो क्या होगा? आवर सेल्फ होगा नहीं, क्योंकि वी का होता है आवर, है ना, आवर सेल्फ। देम सेल्फ हो जाएगा, चूंकि ये प्लूरल भी है इसीलिए देम सेल्फ। ध्यान रखिएगा कि सेल्फ एक सिंगुलर होता है, और इसी को अगर आप वीएस कर देते हैं तो ये सेल्फ हो जाता है, ठीक है। इस बातों को ध्यान रखना, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। खैर चलिए आगे देख लेते हैं इनका, तो बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, सबसे पहली बात तो आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद देन क्वेश्चन पे हम लोग जाइएगा आंसर पे, ठीक है। तो चलिए कहता है कि द ट्रेन कम टू ए हॉल्ट बाय, मतलब सीधी बात ध्यान रखना है, ट्रेन क्या है? एक निर्जीव चीज है, ठीक है। तो कभी भी हिमसेल्फ होगा नहीं, ठीक है, और इटसेल्फ हो भी सकता है, खैर इसको अभी देमसेल्फ होगा नहीं और नन ऑफ दिस होगा नहीं, तो क्या होगा? इटसेल्फ होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर अगर आपको सेंटेंस का मतलब नहीं भी पता चले तो आप इस प्रोनाउन से, सब्जेक्ट से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं कि द ट्रेन कैम टू ए हॉल्ट बाय डैश। तो ट्रेन जो है खुद खुद यहाँ पर बात की जा रही है, इसीलिए आगे आपका इटसेल्फ, ठीक है। इसका आंसर भी हम लोग देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इटसेल्फ। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरी है नहीं, अगर आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहिएगा तब, ठीक है। चलिए प्लीज चेक डैश इज नॉकिंग एट द डोर। कहता है कि चेक कीजिए कि डैश इज नॉकिंग एट द डोर, कोई मतलब आप देखिए नॉक जो करेगा आपको गेट को, जो कोई ढकढकाएगा तो कोई इंसान ही होगा, है ना, वो जानवर नंबर तो होगा नहीं, तो इंसान होगा, या तो हुम होगा या हु होगा या विच होगा, हु जो होगा क्या होगा, तो विच तो निर्जीव के लिए प्रयोग किया जाता है, इस बातों को ध्यान रखना है,
ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है विच नहीं होगा। अब कहते हैं प्लीज चेक डैश इज नॉकिंग, अभी तक में कह रहा है एक आदमी को चेक करने के लिए कि भाई कौन कौन दूर को नॉकिंग कर रहा है, खटखटा रहा है। तो यहाँ पर हुम मतलब तो नहीं होगा, हुम इज नॉकिंग ये नहीं हो सकता, विच इज नॉकिंग नहीं हो सकता, हुज इज नॉकिंग नहीं हो सकता, एक सब्जेक्ट के रूप में आता है हु वही हो सकता है, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हु। तो चलिए इसके आंसर पे चलते हैं, ठीक है। चलिए आंसर क्या है इनका वो देख लेते हैं, आंसर भी हु है, ठीक है, इस बातों को आप ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए ये सब एड है, आप लोग ध्यान इस पर मत दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, डैश इज योर प्लान फॉर द वीकेंड, ठीक है। अब भाई आपके लिए इस वीकेंड के लिए क्या प्लान है, क्या ही दे सकता है, विच इज योर प्लान, व्हाट इज योर प्लान या हुम इज योर प्लान। तो पहली बात ध्यान रखिए कि ऑप्शन को काटना कैसे है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर हेयर इज योर प्लान फॉर द वीकेंड, इस वीकेंड के लिए तुम्हारा प्लान कहाँ है ये तो नहीं कह सकते, हुम भी नहीं हो सकता। आप कहते हैं विच इज योर प्लान फॉर दिस वीकेंड, ये भी हो सकता है, व्हाट इज योर प्लान फॉर दिस वीकेंड। तो यहाँ पर विच का प्रयोग हम लोग अक्सर ज्यादातर जब कंजक्शन के रूप में करें तो करना बेहतर होगा, और अगर सब्जेक्ट के रूप में मतलब कहने का तात्पर्य डब्ल्यू एच वर्ड के रूप में अगर हम करते हैं शुरू में आगे क्वेश्चन मार्क भी है, तो खैर करके यहाँ पर दोनों की संभावना है, लेकिन ज्यादा संभावना किसकी है तो आपको वाट की है, और कम संभावना जो है आपका विच का है, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा संभावने वाले आंसर देंगे। खैर आंसर देख लेते हैं क्या वाट है, बिल्कुल करेक्ट है ना, इस बातों को ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, 6 आपके स्क्रीन के सामने है कि द किंग डैश गेव द एस्वर्ड्स टू द चिल्ड्रेन। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा किंग खुद, देखिए जब ये सब में सेल्फ आ गया तो किंग तो एक राजा होता है, और यहाँ पर सिंगुलर की बात की जा रही है ना। तो सबसे पहली बात आपको ये चीज फोकस करनी है कि देम सेल्फ होगा नहीं, माई सेल्फ होगा नहीं, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, द किंग कौन सा पर्सन है अभी, थर्ड पर्सन। अब यहाँ पर पर्सन के हिसाब से भी हम लोग प्रोनाउन को चूज करेंगे तो सीधी सी बात है हिमसेल्फ होगा, योर सेल्फ होगा नहीं, क्योंकि योर सेल्फ सेकेंड पर्सन है। क्लियर, इस बातों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़नी है, और आगे बढ़ने से तात्पर्य है कि इसका आंसर भी देख लीजिए, हिमसेल्फ भी आ गया। चलिए देखिए इनका आंसर अक्सर गलत नहीं होगा, अगर आप इन्हें खास हम तो डायरेक्शन देंगे कि आप रटे नहीं, समझने का प्रयास करें, क्योंकि एग्जाम में यही आएगा, सीधी सी बात ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है biharboard.com से लिया गया है, ठीक है। आप भी गूगल पर जाकर के सर्च कर सकते हैं, आपको पीडीएफ वहां मिल जाएगी, आपको पीडीएफ कहीं से भी लाने की जरूरत नहीं है, आप सर्च कीजिएगा बिहार बोर्ड है ना डॉट, इस तरह का सर्च कीजिएगा अपने आप आ जाएगा, ठीक है। कहते हैं कैन यू पॉइंट आउट द बुक डैश बिलोंग्स टू यू। अब यहाँ पर देखिए यहाँ जो प्रोनाउन आप यूज कीजिएगा तो ये सबसे पहले फोकस करने की बात है कि किसके बारे में यहाँ पर प्रयोग किया गया। कहते हैं कैन यू पॉइंट आउट, यहाँ यू सब्जेक्ट है, पॉइंट आउट द बुक, ठीक है, डैश बिलोंग टू यू मतलब डैश बिलोंग टू, इसका मतलब बुक की बात की जा रही है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर तो हुम होगा नहीं, है ना, विच की ज्यादा संभावना है, खैर डैट भी हो सकता है, यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, है ना, हुज तो होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बुक की बात की जा रही है। अब डैट या विच में से कोई एक होगा, तो अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो जाती है कि बच्चा कोई कहते हैं सर डैट मारे या विच मारे, तो आपको यहाँ पर फोकस करनी है कि ये कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया है, ठीक है ना। जब डैट या विच में से आता है डैट बिलोंग्स टू यू, तो ध्यान रखिएगा अक्सर हम लोग डैट को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। खैर आंसर देख लेते हैं क्या दिया गया, डैट दिया गया, तो डैट को हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, इसके कारण डैट ज्यादा सही है। और आप लोग भी अगर विच डैट में से कुछ चेंज करना हो तो आप लोग डैट को जल्दी कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्योंकि मेन पॉइंट होता है कि विच हम लोग जो है करते हैं प्रयोग, है ना, और डैट का भी प्रयोग करते हैं, ये कंजक्शन के रूप में प्रयोग होता है, ई भी डब्ल्यू एच वर्ड और कंजक्शन दोनों ग्रुप में प्रयोग किया जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी डैट विच में डैट को जाता है, ठीक है। अंजू एंड रीति आर माय फ्रेंड आई नो डैश वेरी वेल, यहाँ पर देखिए डैश की जगह किसकी बात की जा रही है इस पे फोकस करनी है हमें, ठीक है। अंजू एंड रीति आर माय फ्रेंड्स, ये मेरा फ्रेंड्स है, आई नो इसका मतलब इनके बारे में बात की जा रही है,
ये तो दो हो गया यानी फुल डन हो गया। तो अब चूज कीजिए क्या होगा, हर होगा बिल्कुल नहीं, इट होगा बिल्कुल नहीं, यू होगा बिल्कुल नहीं, देम हो सकता है क्योंकि ये तो थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन होता है आई वी, सेकेंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन इन दोनों के छोड़ करके जो भी बचता है उसे हम लोग थर्ड पर्सन कहते हैं, ठीक है, जिसमें नेम भी आ जाता है। तो ये थर्ड पर्सन है, इसलिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट है यहाँ पर, है ना, इस बातों को फोकस करनी है हमें। चलिए हम लोग ब्लू ही रखते हैं अभी, या ब्लैक रखते हैं, चलिए ब्लैक ही रख लेते हैं, ठीक है। ओह शिट, सॉरी गाइस, क्लियर करना चाहिए, कभी कभी मिस्टेक हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के, क्या है वो ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन है, नाइन्थ पे ध्यान देनी है। नाइन्थ क्या कर रहा है कि वेयर आर प्लानिंग टू गो फॉर पिकनिक टूडे, वुड यू लाइक ज्वाइन दैस। अब एक बात बताइए, पिकनिक तो अकेले कोई मनाने जाता है नहीं भाई, अकेले जब नहीं मनाने जाता है कोई पिकनिक तो हमें क्या करना चाहिए। कहते हैं वी आर प्लानिंग, सबसे पहले बात तो यहाँ सब्जेक्ट वी दिया गया है, और वी का प्लुरल फॉर्म जो हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेते हैं वे क्या लेते हैं, अस लेते हैं, इसीलिए डायरेक्ट ऑप्शन वी का क्या हो जाएगा यहाँ पर, अस, है ना। इस तरह से आपको समझनी है ना, अगर ज्यादा दिक्कत होती है तो क्वेश्चन का मतलब थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब टैन में देखिए, अब फटाफट हम लोग करते जाते हैं। कहते थे आंसर डैश यू गिव इज नॉट राइट, कि द आंसर, यहाँ पर आंसर के अनुसार इसका प्रयोग करनी है, तो हु तो होगा नहीं, हुम होगा नहीं, द आंसर हु यू नहीं, द आंसर हुम यू नहीं, द आंसर विच यू, बिल्कुल ये सब सजीव के लिए प्रयोग किया जाता है। एक ही चीज है जो आंसर जो उन्होंने दिया वो क्या है, मतलब राइट नहीं है, सही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर आंसर जो होगी वो विच हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि निर्जीव है, सीधी सी बात ध्यान रखना। आगे चलिए इलेवन की ओर। इलेवन क्वेश्चन है कि मोनिका इज द ओनली गर्ल डैश ईजी हैज बीन सेलेक्टेड द कॉम्पिटिशन। अब देखिए मोनिका इज ओनली गर्ल, है ना, तो यहाँ पर ओनली गर्ल जिसका एसे डैश एसे, यहाँ पर एसे एक नाउन है, और इनसे पहले आपको बता दूं कि एक तरह से हम लोग एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, तो हुज एसे, समझ में आ गया, एसे एक निर्जीव चीज होती है, ठीक है, कह सकते हैं नॉन लिविंग थिंग है वो, है ना। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि ओनली गर्ल हर एसे डैट डैट के डैट ऐसे होगा नहीं, अब यहाँ पर ये चूज करनी है हुम ऐसे भी नहीं होगा, हु जैसे या हर ऐसे, इस दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। कहते हैं मोनिका इज द ओनली गर्ल हुज ऐसे हैज बीन सेलेक्टेड द कंपटीशन, या हर ऐसे हैज बीन सेलेक्टेड द कंपटीशन, तो यहाँ पर आपको फोकस करनी है कि इस टाइप के सेंटेंस पहले, तो यहाँ पर ज्यादा प्रायोरिटी आपको किसकी चुन करनी है, तो एडजेक्टिव की चूज करनी है या प्रोनाउन की चूज करनी है, तो यहाँ पर हम लोग ज्यादा प्रायोरिटी जो है हम लोग हुज को देंगे, ठीक है। खैर आंसर देख लेते हैं, डैट भी हो सकता है, इसमें कंफ्यूजन है, हुज ज्यादा बेहतर है क्योंकि हमें प्रोनाउन को चूज करनी है, ठीक है। खैर चलिए, ये प्रोनाउन नहीं है, एडजेक्टिव है दोनों, हुज भी यहाँ पर एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि इनके जस्ट बाद यहाँ पर आप देखिए नाउन आया है, है ना, इनके जस्ट बाद आप देख सकते हैं नाउन आया है, और हुज जो है वो कौन सा एडजेक्टिव है, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। और अगर हम लोग हर ऐसे की बात करें, हर ऐसे की बात करें, तो यहाँ पर हर जो है इनके जस्ट बाद नाउन आया है, ये है पोजेसिव, ठीक है, तो यहाँ पर पोजेसिव से ज्यादा, पोसेशन से ज्यादा यहाँ पर इंट्रोगेट करता है, तो कहते किसका ऐसे, तो उसका ऐसे, ठीक है, इस तरह से हम ऑप्शन को चूज करेंगे, ठीक है, तो ज्यादा बेहतरीन यहाँ पर हुज है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए क्या है, करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, दिस इज ए सेक्रेट पैक्ट बिटवीन यू एंड डैश। अब देखिए दो ही पर्सन यहाँ पर कह रहा है, बिटवीन दो ही पर्सन के लिए प्रयोग करता है, तुम और यहाँ पर क्या हो सकता है, हम लोग तो होगा नहीं, देखो कुछ नहीं, आई होगा बस, ठीक है, तो यू एंड आई। अब बहुत ऑप्शन यहाँ पर बहुत लोग गलत कर देते हैं, यहाँ पर कंफ्यूजन इस बात के, सबसे पहले बात तो वही तो होगा नहीं, ठीक है, दे तो होगा नहीं, दो ऑप्शन पे लिए कट गया।
अब तुम्हारे और मेरे बीच जो पैक्ट है वो क्या है, सीक्रेट है, मात्र दो आदमी के बीच में हम लोग बिटवीन का प्रयोग करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है आई होगा या नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा या सब्जेक्टिव फॉर्म होगा। सबसे पहली बात यहाँ पर ध्यान रखना, इस टाइप के सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव फॉर्म ज्यादा बेहतर माना जाता है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म का ही प्रयोग आप कीजिए, क्योंकि ये भी एक ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। खैर आंसर देख लेते हैं, तो ये दिया गया है, जैसे कहते हैं ना कि तुम्हारे और मेरे बीच है ना, तो यहाँ पर यू एंड यू बिटवीन मी, यानी कि तुम्हारे मेरे बीच, तो ऑब्जेक्ट के रूप में है इसीलिए मी का प्रयोग किया गया। 13 क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने कि द मैन दैट स्टोल माय नेकलेस हैज बीन अरेस्टेड, है ना, तो मेन के बारे में बात कर रहा है, डैश स्टोल, उसी ने इसका स्टोल किया था, चुराया था, तो हु मेन के लिए प्रयोग कर सकते हैं, विच होगा नहीं, हुज स्टोल ये होगा नहीं, क्योंकि इनके जस्ट बाद नाउन आना चाहिए था, नाउन आया नहीं, ये तो वर्ब है स्टोल, ठीक है, चुरा लेना, हुम होगा नहीं, हुम स्टोल ये होगा नहीं, ये हु ही होगा क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में हु ही है, तो द मैन हु स्टोल माई नेकलेस हैज बीन अरेस्टेड, क्लियर, कि वो आदमी जो मेरा नेकलेस चुराया था वो क्या है, अरेस्टेड है बेचारा, है ना, यानी कि कहने का तात्पर्य है वो अभी जेल का हवा खा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर कि दिस इज द बेस्ट होटल, दिस इज द बेस्ट होटल डैश आई हैव एवरी सीन, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिस इज द बेस्ट होटल, यहाँ होटल की बात की जा रही है। अब होटल एक निर्जीव है यानी कि नॉन लिविंग है कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पर सीधी सी बात ध्यान रखना है कि हु होगा नहीं, हुम होगा नहीं, हुज होगा नहीं, बस डैट हो सकते हैं हम लोग, क्योंकि डैट का प्रयोग आप सजीव के लिए भी कर सकते हैं, निर्जीव के लिए कर सकते हैं, तो दिस इज द बेस्ट होटल डैट आई हैव एवरी सीन, है ना, ये वही होटल है जिसे मैं कई बार देख चुका हूँ, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है इस बातों को, तो ऑप्शन नंबर डैट बिल्कुल करेक्ट है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, आई लाइक द बुक्स डैश हैव इंटरेस्टिंग स्टोरी, है ना, कि मैं उस बुक को पसंद करता हूँ जिसका स्टोरी मुझे काफी बेहद पसंद है, ये पसंद है, यानी आई लाइक द बुक्स डैश हैव, मतलब डैश हैव करने मतलब यहाँ सब्जेक्ट की बात की जा रही है। अब सब्जेक्ट जिसमें कौन होगा वो ध्यान दीजिए कि हु, देखिए बुक के लिए हु का प्रयोग करेंगे नहीं, या कंफ्यूजन इस बात की है कि बुक के बारे में यहाँ पूछा गया है, नो कि इस आई के बारे में, ठीक है, आई के बारे में होता तो बहुत दे सकते थे क्योंकि ये भी सचिव ये भी सचिव, तो आई लाइक द बुक्स डैश हैव इंटरेस्टिंग, मतलब डैश हैव, डैट हैव होगा क्या, हुम हैव होगा क्या, व्हाट हैव, तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो यहाँ पर फुल स्टॉप है, तो यहाँ पर ज्यादा बेहतरीन आपको डैट ही लग रहा है, क्योंकि वाट होगा नहीं, हुम होगा नहीं, है ना, हु होगा नहीं, तो बस डैट ही निर्जीव के लिए प्रयोग किया जाता है। आई लाइक द बुक डैट हैव इंटरेस्टिंग स्टोरीज, डैट हैव यहाँ पर हैव किन के अनुसार, बुक्स के अनुसार यूज किया गया है, और डैट हम लोग कहते हैं कि प्लुरल के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं इस टाइप के सेंस में, और सिंगलर के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, डैट जरूर नहीं केवल सिंगलर के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है, यहाँ पर डैट एक तरह से कह सकते हो कंजक्शन का भी काम करता है, जो इधर से इधर का जोड़ने का काम करता है, और इसको अगर इधर हटा ले तो डैट आपको सब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है, जो कि सब्जेक्ट इनके अनुसार है, ठीक है, इस बातों को ध्यान रखना है, इसीलिए यहाँ पर डैट के साथ हैव लगा, इसलिए कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 क्वेश्चन है कि दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय डैश मदर, अब देखिए द बॉय डैश मदर, इस मदर की अभी बॉय के मम्मी के बारे में बात की जा रही है, तो बॉय क्या एक सजीव है, तो यहाँ पर कहता है दिस इज द बॉय डैश मदर वोन द मिसेज इंडिया, मिसेज इंडिया कॉन्टेस्ट लास्ट वीक। अब सबसे पहली बात तो यहाँ ध्यान रखना है द बॉय की जगह कौन सा होगा, होम मदर होगा नहीं, क्योंकि होम के जस्ट बाद आपको नॉन आता नहीं, हाँ हुज हो सकता है क्योंकि ये भी सजीव से, हु होगा नहीं क्योंकि हु तो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है ना, हु के जस्ट बाद कभी भी नाउन नहीं आता है, डैट यहाँ पर नहीं देना बेहतर है क्योंकि यहाँ पर इसका हुज दे ही दिया गया है सजीव के रूप में, तो हमें डैट का प्रयोग ऑप्शनल के रूप में करना है, जब हुज ना हो सजीव के रूप में तो डैट का प्रयोग करना है, इस बातों को ध्यान रखना है, यहाँ पर साक्षात द बॉय आ ही गया है, इनकी मम्मी के बारे में बात की जाए तो दिस इज द बॉय हुज मदर वोन द मिसेज इंडिया कॉन्टेस्ट लास्ट वीक, ठीक है, इस बातों को ध्यान रखना है और आगे बढ़ने एक खैर आंसर देख लेते हैं। चलिए आंसर हुज दिया गया है, मैं देखिए ऑप्शन को चूज करने का तरीका होता है, कहीं कहीं डैट भी
मान्यता प्राप्त है इनको, और हुज को भी मान्यता प्राप्त है। तो क्वेश्चन ये उठता है, अगर केवल सजीद के बारे में बात की जा रही है तो आप हुज दीजिए, है ना, और जब सजीद निर्जीव दोनों के बारे में बात की जाए तो डैट दीजिए। अगर दोनों ऑप्शन दिया है, सजीव है तो आप हु दे दीजिए, निर्जीव है तो डैट दीजिए। अगर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, मान लीजिए सजीव का ही ऑप्शन मिल रहा है जिसमें आपको डैट मिल रहा है लेकिन हुज नहीं मिल रहा है, तो आपका डैट दे दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन को आपको मारना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आई लाइक सच बुक्स डैश इलस्ट्रेट देयर टॉपिक्स क्लियरली, है ना। मतलब कहता है आई लाइक सच बुक्स डैश, आई लाइक सच बुक्स डैश। अब यहाँ पर बुक्स का ही यहाँ पर प्रोनाउन यूज करना है, तो बुक्स तो सबसे पहली बात तो नॉन लिविंग है ना, तो ध्यान रखना नॉन लिविंग मतलब निर्जीव होता है। तो हु मतलब आई लाइक सच बुक्स हु इलस्ट्रेट देयर टॉपिक्स क्लियरली, हु तो होगा नहीं क्योंकि बुक निर्जीव है, निर्जीव है। अब डैट तो सजीव निर्जीव दोनों प्रयोग किया जाता है, एज तो होगा ही नहीं कोई भी कंडीशन में। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि डैट नहीं तो विच हो सकता है, तो आपको मैंने क्या कहा इससे पहले, ठीक हुज का उल्टा, हुज की जगह विच आ गया और डैट भी आया, तो डैट का प्रयोग आप निर्जीव के लिए करते हैं, सजीव के लिए भी करते हैं, और हुज केवल निर्जीव के लिए करते हैं, यहाँ पे निर्जीव का ही केवल बोध करा रहा है, क्या होनी चाहिए अनुसार विच होना चाहिए। तो खैर चलिए आंसर देख लेते हैं, जिसका कंफर्मेशन पता चल जाएगा। यहाँ पर हु दिया गया, तो यहाँ पर कंफ्यूजन इस बात का है कि देखिए मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ध्यान दीजिए आपको भी मिस्टेक हो सकता है। कहते हैं आई लाइक सच बुक्स डैश, यहाँ कोमा दिया गया है, तो आई का ही यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर बच्चा अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूजन कौन चीज का रहता है उस पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान इस बातों को देना है। कहते हैं आई लाइक सच बुक्स हु इलस्ट्रेट देयर टॉपिक क्लियरली, यहाँ पर इस टॉपिक को इलस्ट्रेट यानी कि समझाया कौन है अच्छे तरीका से, तो टीचर ने समझाया। ठीक है, इसीलिए वो इस बुक को पसंद करता है क्योंकि इस बुक में जो टॉपिक है ना वो अच्छा तरीका समझाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आई लाइक सच बुक्स हु इलस्ट्रेट देयर टॉपिक क्लियरली, है ना, यानी कि इस बुक को मैं पसंद करता हूँ जो इस बुक के टॉपिक को अच्छे से क्या कर लिया है, क्लियर कर लिया है। मतलब मैं उस आदमी को पसंद करता हूँ जो इस बुक के टॉपिक को अच्छा से क्या किया है, क्लियर किया, कर दिया है, इसीलिए यहाँ पर हु का प्रयोग किया गया। बच्चा अक्सर जैसे मैंने मिस्टेक किया आप भी मिस्टेक कर सकते हैं, इसीलिए ध्यान देना है कि बुक्स के लिए यहाँ पर नाउन नहीं आया है, यहाँ पर उस व्यक्ति के लिए आया है जो इस बुक के टॉपिक को इलस्ट्रेट किए हैं, टॉपिक को बढ़िया से एक्सप्रेस किए हैं यानी कि समझाए हैं। ठीक है, इसीलिए हु का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखिए सेम का सेम एग्जाम में पूछ सकता है, इससे सेम वाक्य सेम ऑप्शन रह सकता है, आप अगर ठीक से ध्यान देंगे तो आपको 100 में 100 आ सकता है, अगर प्रोनाउन से पूछा एग्जाम में तो फिक्स है कि आपको मार्क नहीं कटेगा। ठीक है, इतना बात पे विश्वास कीजिए। कहते हैं दिस इज द ड्रेस डैश आई वोर ऑन माई बर्थडे, ध्यान दीजिएगा कि इस बातों को ध्यान रखना है, यहाँ पर दिस इज द ड्रेस फोकस किया गया है ना, इस पे जोर दिया गया है, डैश आई वोर ऑन माई बर्थडे। तो यहाँ पर देखिए ड्रेस को जो पहना जाता है तो हु तो ड्रेस होगा नहीं क्योंकि ड्रेस निर्जीव है, होम भी नहीं होगा, डैट ही हो सकता है, बस एक ही हो सकता है जो सजीव निर्जीव दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है कि दिस इज द ड्रेस डैट डैट आई वोर ऑन माई बर्थडे, इस बातों को ध्यान रखनी है। ठीक है, और इस टाइप के सेंस में जोर देने के सेंस में हम लोग अक्सर यहाँ पर डैट का ही प्रयोग किया करते हैं, इस बातों को ध्यान रखिएगा, डैट ज्यादा तो सही नहीं होता। अगला है 19 यानी कि 19, द वुमेन डैश गेव मी द मनी वाज क्वाइट यंग, है ना, यानी कि वो आदमी जो मुझे मनी दिया था वो बिल्कुल जवान था, क्वाइट जवान था। ठीक है, मतलब वुमेन द वुमेन डैश गेव मी, अब वुमेन भाई कौन हो सकता है, कुछ तो होगा नहीं, कुछ भी होगा नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर यहाँ के जस्ट बाद वर्ब आया, क्या आया है वर्ब, तो भाव से पहले सब्जेक्ट का काम है आना, है ना, उसके बाद कम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट सब आता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए सब्जेक्ट के रूप में कौन आता है, तो मात्र एक ही सब्जेक्ट के रूप में आता है जिसका नाम है हु, इसीलिए हु ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है हम लोगों का 20,
ये करके हम लोग छोड़ लेते हैं। आपको ये ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और आपको अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो हमारे मोबाइल नंबर को कॉल कर सकते हैं, जो कि है 800 248 38 93, ठीक है। और आप इस चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो पुराने हैं वो शेयर भी कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त को भी फायदा मिल सके। और आगे चलते हैं, सब्सक्राइब इसीलिए कीजिए कि अगला वीडियो आपको जस्ट आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट फिर से ऑब्जेक्टिव मैं देने वाला हूं इसी प्रणाम का। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे होगा, ठीक है। व्हाई डोंट डैश पिक सम नाइस फ्लावर्स फॉर योर फ्रेंड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, व्हाई के बाद हेल्पिंग वर्ब है। मैंने फॉर्मूला कभी कभी बताया था कि डब्ल्यू एच वर्ब होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद मेन वर्ब होता है ना। इस तरह से सेंटेंस पैटर्न बनता है, ठीक है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद सब्जेक्ट होता है, उसके बाद इस तरह से होता रहता है। तो यहाँ पर आपको वही चूज करनी है, सब्जेक्ट, ठीक है। तो कहते हैं व्हाई डाउन, सबसे पहली बात तो डाउन किनके किनके साथ लगता है, इस बातों पर फोकस कीजिए, जिसको डू कहा जाता है। तो डू एक प्लुरल वर्ब है, जिसे बी वन कहते हैं। जब ये प्लुरल है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये तीनों ऑप्शन तो पहले ही कट गया, क्योंकि तो ये सब सिंगुलर है और ये तो भाई सब्जेक्ट होगा ही नहीं, ठीक है। तो हो सकता है तो ओनली यू हो सकता है, क्योंकि तो यू के साथ ही डू लगता है। तो व्हाई डोंट यू पिक सम नाइस फ्लावर्स फॉर योर फ्रेंड। यहाँ से भी आप पता लगा सकते हैं, योर का जो सब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो यू होता है, और योर जो है ये एक तरह से इसका पोसेसिव फॉर्म है, जिनके जस्ट बाद नाउन आया है। इस बात को ध्यान यहाँ से भी आप पता लगा सकते थे, ठीक है। तो खैर चलिए, ये कंफर्मेशन के लिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, विश यू ए वेरी गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन ऑफ 2022। इतना बात तो धैर्य रखिए कि भाई इनसे पूछेगा ही पूछेगा, जो भी पूछेगा इन्हीं से पूछेगा, ठीक है। इनसे एक्स्ट्रा आपको नहीं पूछा जाएगा, इस बात की तो मैं गारंटी नहीं कर सकता, लेकिन 90% मैं जरूर कह सकता हूँ। इसीलिए इस ऑब्जेक्टिव को अगर आप बढ़िया से कवर कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। चलिए बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।